कोलैबोरेशन की बात करूँ तो एक चीज़ बहुत अच्छी है कि एक चीज़ बहुत अच्छी है कि इन्होंने जो है वो फाउंडेशन के नाम से और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल. आज की डेट में क्रिप्टो में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है, बहुत सारे लोग क्रिप्टो के बारे में जानते भी है, बट द पॉइंट हियर दे आर ट्राइंग टू क्रिएट इस लोगों के लिए बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, लोगों को हेल्प करने की इच्छा है इनकी. और इसी के साथ इन्होंने जो टोरा फाउंडेशन आज लॉन्च किया उसके लिए मैं पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ. बेनिफिट मोस्ट इम्पोर्टेंटली देखिए, किसी भी चीज़ को लोगों के पास पहुँचने के लिए सबसे चाहिए, आज की डेट में लोग हेल्प करने के लिए रेडी है, लेकिन देर इज़ नॉट अ प्रॉपर मीडियम. अगर आप बात देखोगे जैसे रशिया का वॉर हो रहा था तो देर वॉज ओनली क्रिप्टो डोनेशंस अवेलेबल ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो क्रिप्टो की डोनेशंस मिल रही थी. तो आज उसी क्रिप्टो के साथ अगर कोई फाउंडेशन लेवल पे लोगों को हेल्प करने की इच्छा रखता है तो टोरा ही एक नाम है आज की डेट में जो यहाँ पे आया हुआ है. आपका रोल क्या है? आज हम एज अ चैनल पार्टनर, एज अ VIP स्पिन स्टॉक एक्सचेंज जो है एक चैनल पार्टनर के हिसाब लाइक विद अ एक मिनट आज फिर से यस ओके ओके VIP स्पिन स्टॉक का यहाँ पे जो रोल है, वी आर चैनल पार्टनर फॉर टोरा फाउंडेशन एंड टोरा फाउंडेशन के लिए जो भी एक्सचेंज रिलेटेड सर्विसेज है वो VIP स्पिन स्टॉक आज प्रोवाइड करने वाली है फॉर इंडिया लेवल ऑफ प्लेटफॉर्म. ऑल्सो वी आर गोइंग टू एक्सपांड टू ग्लोबल लेवल सून. और इसी के साथ एक एक्सचेंज के रूप में आज हम इनके साथ जुड़े हुए हैं. आई होप एक्सचेंज से उनको बहुत बेनिफिट हो क्योंकि एक्सचेंज एक ऐसा मीडियम है जहाँ से आप बहुत सारे लोगों के पास पहुँच सकते हो एक ही टाइम पे. सो वी आर हैप्पी टू बी द फर्स्ट चैनल पार्टनर्स ऑफ टोरा फाउंडेशन. थैंक यू. एक टोरा फाउंडेशन ये क्रिप्टो की दुनिया में पहला चैरिटेबल टोकन लॉन्च किया गया है, तो मैं बधाई देना चाहूँगा इस टोरा फाउंडेशन के प्रमुख तानाजी जाधव भाऊ को तथा विजय पाटिल और उनकी पूरी टीम को मैं दिल से बधाई देना चाहता हूँ कि आज एक नया वेंचर उन्होंने लॉन्च किया है. मेरी हार्दिक शुभकामनाएं उनके साथ है. देखिए, हालांकि मैंने अभी स्पीच भी किया था, फ्यूचर ही डिजिटल करेंसी है, फ्यूचर ही क्रिप्टो करेंसी है, क्योंकि आज पूरे वर्ल्ड में 92% करेंसी ये डिजिटलाइजेशन हो चुका है, केवल 8% नोट फॉर्म में है. तो ये बता रहा है कि डिजिटल का ग्रोथ बता रहा है. और आज 750 करोड़ की आबादी है और ये पेपरलेस वर्क चल रहा है और फ्यूचर तोरा का बहुत ज़्यादा ब्राइट है और चलाने वालों की नीयत और चलाने वालों की मार्केट में इमेज बहुत शानदार है. तो इस क्रिप्टो करेंसी के तोरा को बहुत ज़्यादा फ्यूचर है. मैं सबसे पहले टोरा फाउंडेशन को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने पहला एक चैरिटी बेस्ड क्रिप्टो करेंसी टोकन यहां पे मार्केट में लेके आया है. आज तक मैंने बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी देखी है और हम लोग ने बाइंग भी की है, उसमें ट्रांजेक्शन भी किया है, लेकिन पहला ऐसा टोकन है जो कि लोगों के लिए मदद के लिए चैरिटी के लिए आगे आया है. इसके पहले ऐसा कोई भी टोकन हमने नहीं देखा था जो चैरिटी के लिए या लोगों की मदद के लिए आया है. टोरा टोकन ये पहला ऐसा टोकन है जो कि चैरिटी बेस्ड है और चैरिटी के लिए काम में आएगा. हाँ बिल्कुल, इसमें नॉलेज बढ़ेगा, अवेयरनेस बढ़ेगी, लोगों को इसका एजुकेशन मिलेगा क्रिप्टो करेंसी का. और ये टोरा फाउंडेशन ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट और आगे आने वाले प्रोजेक्ट ऐसे बनाए कि हर एक व्यक्ति को, जैसे भारत में धीरूभाई अंबानी ने कहा था कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, यानी हर हाथ में एक मोबाइल रहना चाहिए, उसी तरह से टोरा का सपना है कि हर एक के पॉकेट में टोरा क्रिप्टो करेंसी रहना जरूरी है. नेल्सन मंडेला नोबल पीस अवार्ड अकेडमी के हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है डॉक्टर विजय सिंह पाटिल, ये इनके ग्लोबल प्रमोटर है और टोरा फाउंडेशन के साथ में नेल्सन मंडेला नोबल पीस अवार्ड अकेडमी NGO जो है वो पार्टनरशिप में काम कर रहा है. जहाँ जहाँ हमारे इवेंट होते हैं हम इनको प्रमोट करेंगे, जहाँ जहाँ इनके इवेंट होते हैं ये हमको प्रमोट करेंगे. संत तुकाराम महाराजांनी 17व्या शतकामध्ये सांगितलं होतं, जोडोनिया धन उत्तम व्यवहारी उदासे विचारी वेचकरी. उत्तम व्यवहार करा, उद्योग व्यवसाय करा, भरपूर पैसा कमवा, पण त्याचा विनियोग योग्य पद्धतीने करा. हा अर्थविषयक विचार 17व्या शतकात संत तुकारामांनी मांडला होता. आज आपण 21व्या शतकाच्या उंबरठ्यावरती उभा आहोत आणि अर्थव्यवस्थेमध्ये, करन्सीमध्ये, जगामध्ये खूप मोठी क्रांती झालेली आहे. आजच्या जमान्यामध्ये जगामध्ये 92% डिजिटल करन्सी वापरली जाते,
आणि 8% पेपर करन्सी वापरली जाते आणि ही या पार्श्वभूमीवरती तोरा फाउंडेशननं या करन्सीमध्ये पदार्पण केलेलं आहे। ही खूप आनंददायी बाब आहे, क्रांतिकारक बाब आहे आणि भविष्यकाळामध्ये अत्यावश्यक बाब आहे। आणि तोरा फाउंडेशनचं वैशिष्ट्य हे आहे की अनेक लोकांना जोडून अनेक लोकांच्या जीवनामध्ये आर्थिक क्रांती करण्याचं आणि सगळ्यात महत्त्वाचं तोराची फाउंडेशनची विश्वासार्हता अत्यंत महत्त्वाची आहे आणि मिळालेल्या उत्पन्नातून चॅरिटी गोर गरीब कष्टकरी श्रमकरी शेतकरी सर्वसामान्य लोकांना मदत करणं ही सुद्धा चॅरिटी आपल्याला तोरा फाउंडेशनच्या माध्यमातून दिसते। तोरा फाउंडेशनचं काम अर्थव्यवस्थेमध्ये निश्चितच क्रांतिकारक आहे, दिशादर्शक आहे, आशावादी आहे आणि विश्वासार्ह आहे। तानाजीभाऊ जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे तोरा फाउंडेशनचं काम सुरू आहे। हे अभिमानास्पद काम आहे। तोरा फाउंडेशनला मी खूप खूप शुभेच्छा देतो। धन्यवाद। आज जर विचार केला प्रत्येक कंट्रीमध्ये या जगामध्ये जे काही डिजिटलायझेशन जो काही ड्रास्टिक चेंज झालेला आहे तो म्हणजे बिटकॉईन असेल, इथेरियम असेल आणि अशा बऱ्याच काही कॉईन असतील जे की अपडेशन आणि भविष्याच्या दृष्टीनं जे काही युग होते ते आता होणार आहे आणि ह्याच्यात बरेच चेंजेस होणार आहे। तर आता जे काय आहे ते डिजिटल आहे म्हणून जगभरात बघितलं जातं, तेच फाउंडेशन म्हणजे तोरा फाउंडेशन। खरं तर चांगला योग आला, तोरा फाउंडेशनचं आज लॉन्चिंग झालं। आमचे मित्र विजय पाटील साहेब, प्रसन्न साहेब यांनी मला या कार्यक्रमाला इव्हेंटला आमंत्रित केलं आणि एक आपले एक सामाजिक संघटना म्हणून टायगो प्रसिद्ध आहे त्या काम करत असताना टोरा फाउंडेशनच्या वतीने मला देखील ह्यांच्यासोबत काम करायला नक्की आवडेल आणि संपूर्ण टायगो महाराष्ट्राच्या वतीने टोरा फाउंडेशनला भरभरून शुभेच्छा। नमस्कार। बाकी आज या ठिकाणी विजय सर असतील, प्रसन्न सर असतील यांच्या माध्यमातून या ठिकाणी ऑर्चिड हॉटेलमध्ये भव्यदिव्य असं तोरा फाउंडेशनचं लॉन्चिंग झालं आणि खऱ्या अर्थानं सांगायला आनंद वाटेल की फाउंडेशनचा मेन उद्देश हे समाजकार्य, समाजाचं काहीतरी देणं लागतं या उद्देशाने हा फाउंडेशन खरं तर येणाऱ्या काळात काम करणार आहे। मी माझ्या समवेत आमचे मार्गदर्शक आधारस्तंभ टायगर ग्रुपचे सर्वे सर्वा तानाजीभाऊ जाधव यांच्या उपस्थितीमध्ये हा कार्यक्रम संपन्न होत असताना मी त्यांच्या वतीने देखील आपणा सर्वांना या ठिकाणी ग्वाही देतो की आम्ही देखील या तोरा फाउंडेशनच्या बरोबर जोडले गेलेलो आहोत आणि येणाऱ्या काळात त्यांच्या माध्यमातून अतिशय विधायक उपक्रम, समाजहिताचे उपक्रम त्यांच्या माध्यमातून घेतले जातील। माझ्या वतीनं तोरा फाउंडेशनला खूप खूप शुभेच्छा। धन्यवाद। तोरा फाउंडेशन आज उसका लॉन्चिंग हो गया, एक ग्लोबल लॉन्च। एक सेकंड, नहीं ठीक है, आवाज सेट है क्या? सेट, हाँ ठीक है। तोरा फाउंडेशन और उसके साथ दुनिया का पहला ग्लोबल चैरिटी टोकन लॉन्च हो गया, बहुत मज़ा आया। बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया गया था यहाँ पे जो क्रिप्टो के जानकार हैं, अलग अलग लेवल के क्रिप्टो प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं और हम चाहते हैं कि आज की डेट में एक सबसे बड़ा बदलाव था तोरा टोकन के हिसाब से और ये टोकन नॉट ओनली महाराष्ट्र, नॉट ओनली इंडिया, पूरी दुनिया की कम्युनिटी के लिए। जैसे हम लोगों ने देखा कि टाइगर ग्रुप हर एक इंसान के लिए वही खड़ा है, उनकी हेल्प के लिए खड़ा है और अभी तक जो दायरा था महाराष्ट्र और पूरा भारत, तो एक सोच हम लोग लेके जा रहे हैं। बहुत सारे संगठन उसके साथ हम लोग जोड़ रहे हैं, बहुत सारे NGOs को हम लोग एक प्लेटफॉर्म के अंदर लेके जा रहे हैं और टोरा यानी टाइगर, हम लोग एक नए तरीके से, एक नए ज़माने का ये टाइगर, एक नई कॉन्सेप्ट के साथ, ब्लॉकचेन के साथ पूरी ग्लोबली लेके जा रहे हैं और इसकी शुरुआत अभी जस्ट हो गई है। भाव कैसे बोल का है, भाव कैसे आप मनाया, कैसे हाँ हम लोग बहुत सालों से भाव को मानते हैं, हम लोग इंस्पायर्ड है उनके काम से बेसिकली और बहुत सारे बदलाव भी हम लोग चाहते हैं कि आज की जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी, उनके अंदर वो बदलाव आए। तो जब भी हम लोग इनको मिलते थे, जब भी हम लोग इनसे बात करते थे, हमेशा उनकी एक चीज़ रही है कि कमर्शियल चीज़ों से अच्छा है कि मेरे दिमाग में हमेशा रहता है कि हम सोसाइटी के लिए कुछ किए,
अभी तक जो कुछ मिला है, जो प्यार मिला है, जो नाम मिला है, सोसाइटी के कारण मिला है, और हमारा उत्तरदायित्व है कि हम जब तक जो भी चीज़ कर सके उनके लिए करना है। तो हम लोगों ने सोचा कि एक काम कर दे, जैसे हम लोग कभी कभी गेम बनाते हैं सुपरमैन की, तो पूरी टीम बैठ कर पिछले 6 महीने से सोच रही थी अगर ब्लॉकचेन इस लेवल पर डेवलप हो रही है तो क्यों ना हम लोग चैरिटी को ब्लॉकचेन में लेके आए। और एक सबसे बड़ी बात, दुनिया का पहला, नॉट ओनली इंडिया, महाराष्ट्र और पुणे से एक पहला चैरिटी टोकन लॉन्च होने जा रहा है। बहुत मज़ा आया पिछले 6 महीने में, और तब एक विश्वास था पूरी टीम का, और आज उसी ट्रांसपेरेंसी के साथ पूरी टीम ने भी दिखा दिया कि ग्लोबल चैरिटी टोकन जहाँ पे पूरी 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ इसको लॉन्च किया गया, बहुत कम क्वांटिटी के साथ और बहुत अच्छे फ्यूचर प्रोजेक्ट के साथ। बिल्कुल, देखिए जब भी ट्रांजैक्शंस होता है तो ट्रांजैक्शन में एक फीस लगती है। ये दुनिया की पहली अनोखी तकनीक यहाँ पे निकाली है इस ब्लॉकचेन में। जब भी कोई एक टोकन दूसरे जगह पे ट्रांजैक्ट होगा तो वहाँ पे 2% का टैक्स लगेगा, फीस, इसको टैक्स नहीं कह सकते, और उस फीस में से 1% बर्न हो रहा है और 1% चैरिटी के लिए जा रहा है। यानी चाहे ना चाहे जब भी हम लोग जितनी बार ट्रेड करें, पूरी दुनिया अलग अलग रीजन के लिए ट्रेड करेगी, अलग अलग प्रोडक्ट के लिए ट्रेड करेगी, लेकिन इनडायरेक्टली वहाँ से 1% टोरा फाउंडेशन और अभी जो टोरा नेटवर्क डेवलप हो रहा है तो उनके लिए फंड जनरेट करेगी, वही फंड हम लोग मीडिया लोगों के पास लेके जा सकते हैं। देखिए बहुत सारे इशू गए, जैसे हम लोग देखते हैं कि आज के डेट में वॉर के बाद बहुत सारी कंट्रीज में वहाँ की डेवलपमेंट के लिए इश्यूज़ है। कोरोना के बाद ऑलमोस्ट 70% कंट्रीज अभी तक उभर नहीं पाई, जैसे हम लोग देख रहे हैं बहुत सारी जगह पे एजुकेशन का प्रॉब्लम है, बहुत जगह पे पॉवर्टी का प्रॉब्लम है। तो हम चाहते हैं कि हम लोग एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म बने जहाँ पे जिनको भी रिक्वायरमेंट है वो लोग हमारे साथ आगे हमारे साथ बैठे, तो वहाँ पे हम लोग उनके लिए चैरिटी बना सकें। कुछ नहीं, सिर्फ आपके दिल में एक अच्छी ख्वाहिश होनी चाहिए, एक इच्छा होनी चाहिए, और बस आपके कृपा आशीर्वाद और ब्लेसिंग्स, दैट्स इट। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अगर आप इस पूरी फाउंडेशन में आपका पार्टिसिपेशन कर सकते हो, यहाँ पे किसी भी बड़े वेंचर्स, इन्वेस्टमेंट्स, पार्टनर्स, बैंकर्स, इनको किसी को भी अलाउ नहीं किया है। सबसे बड़ी बात है टोरा फाउंडेशन वर्ल्ड का पहला ऐसा टोकन है कि जिसमें किसी के पास, यानी उसके डेवलपर्स, उसके फाउंडर्स, उसके पीछे जितने भी लोग हैं, किसी के पास इसका स्टेक नहीं है। इसकी पूरी की पूरी स्टेक होल्डिंग पब्लिक के पास है, यानी डे वन से पहले टोकन से पूरे के पूरे टोकन मार्केट में सब लोगों के पास दिए गए। और सबसे बड़ी बात है कि किसी भी इंसान को बहुत छोटी लागत के टोकन दिए हैं, क्योंकि टोरा फाउंडेशन फंड इकट्ठा नहीं करना चाहता, वो अपनी कम्युनिटी बढ़ाना चाहता है। टोरा फाउंडेशन का जब हमारे दिल में ख्याल आया था, जब हमने कंसेप्ट सोचा था, तब हमें तानाजी की प्रेरणा मिली थी कि जैसे तानाजी वो अभी तक लोगों का भला कर रहे हैं, उसको लेके आगे कैसे जाना है, ग्लोबली इस कंसेप्ट को आगे कैसे लेके जाना है, इसके लिए हमने टोरा फाउंडेशन का कंसेप्ट जाना किया। और जो 2% का टैक्स लग रहा है, 2% में से 1% जो है वो डायरेक्टली चैरिटी वॉलेट में जा रहे हैं, जो लोगों के भले के लिए चैरिटी में जा रहे हैं। यस, मैं आज शुरुआत हुई है दोस्तों, यहाँ से पूरी इंडिया में अलग अलग सिटीज़ में हम लोग कैंपेनिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, बहुत सारी जगह पे हम लोग डोनेशंस के प्रोग्राम्स वर्कआउट कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लोग चाहते हैं कि आप भी कुछ सुझाव हो टोरा फाउंडेशन की तरफ, तो बिल्कुल हमारे साथ आइए। और जिस तरह के ब्लेसिंग आशीर्वाद आपके हमारे साथ थे, वही प्यार हमें चाहिए आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, जय टोरा। मेरा नाम रोहन कुलकर्णी है, मैं टोरा फाउंडेशन के का को फाउंडर हूँ। हम ये कर रहे हैं कि चैरिटी और क्रिप्टो ये दोनों कॉन्सेप्ट एक साथ लाके और तानाजी सर से इंस्पिरेशन लेके हम ये पूरा कॉन्सेप्ट ला रहे हैं, और इससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचना है, और ज़्यादा से ज़्यादा जिन लोगों को ज़रूरत है, जिन लोगों को कोई सोशल कॉजेस में कोई प्रॉब्लम्स है, कुछ है, उन तक पहुँचना है, और जितना हो सके हमें ज़्यादा लोगों तक पहुँचना है।